Let's do question number 24th of exercise 10B, that is quadrilaterals. Question number 24th is, two parallel lines L and M are intersected by a transversal tree T. Do parallel lines hain L aur M, unko ek transversal intersect kar rahi hai T. Ye keh raha hai wo. Aage kya keh raha hai? Show that the quadrilateral formed by the bisector of the interior angles. Interior angles ye hue aur ye hue. Inke jo bisectors hain, ye jo bisector hain, right friends, wo keh raha hai ki the bisector of interior angle is a rectangle. जो ये फॉर्म होगी शेप, इनको जॉइन करने से वो क्या है, रेक्टेंगल है, ये शो करना है, राइट फ्रेंड्स. तो कैसे शो करेंगे, देखिए इसको मैं लिख लेती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट फ्रेंड्स. अब हमें क्या आप गिवन दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है L पैरेलल है M के एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, राइट फ्रेंड्स. यही दे रखा है हमें, ट्रांसवर्सल. अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि बी जी ई एच, बी जी ई एच जो है इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं सबके 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दूं तो ये मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये रेक्टेंगल है, या ऑपोजिट साइड इक्वल है ये प्रूव कर सकती हूँ, राइट फ्रेंड्स. तो अब देखिए कैसे करेंगे प्रूफ. फ्रेंड्स हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए बी ई, ए बी ई ये पूरा प्लस सी बी ई प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब ये पूरे पूरे 180 डिग्री के होंगे तो इसके आधा भी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी ई प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, सॉरी सी बी ई इक्वल्स टू 180 का हाफ हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स. और वी कैन से दैट ए बी ई का हाफ क्या हुआ, हमें ये चाहिए था तो मैं यही ले रही, जी बी ई, एंगल जी बी ई प्लस एंगल सी बी ई का हाफ क्या हुआ, एच बी ई, एच बी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया 180 का हाफ, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए जी बी E and HBE, ये पूरा एंगल कितने का आ गया, 90 डिग्री. मैं इसे ये लिख सकती हूँ जी बी एच इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट फ्रेंड्स. ये आ गया हमारा 90 डिग्री का. नाउ अब दूसरी चीज, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट. तो एंगल ए बी ई, ए बी ई प्लस एंगल डी ई बी, डी ई बी का सम 180 डिग्री होगा. वाई, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, राइट फ्रेंड्स. अब ए बी ई इसका हाफ कितना होगा, एंगल ए बी ई का हाफ प्लस एंगल डी ई बी का हाफ equals to 180 degree का half. तो half of ABE क्या हुआ है, GBE, हमने अभी पढ़ा था GBE plus half of DEB का angle कौन सा आया, GEB, GEB equals to 90 degree, right friends. Friends मैंने ये angle लिया है और ये angle लिया है, ये क्यों लिया है, क्योंकि हमें rectangle की बात करनी है, right friends. अब ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री दिखा रहा है ये, राइट. अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल कौन सा, जी बी ई, जी बी ई, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्या होना चाहिए, सम ऑफ
ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट फ्रेंड्स? तो किस किस को मिलके बनेगा ये वाला एंगल जी बी ई प्लस ये वाला प्लस एंगल जी ई बी ये वाला प्लस एंगल बी जी ई, बी जी ई 180 डिग्री हो गया। इस ट्राइंगल में इसका इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है, राइट फ्रेंड्स? अब इन दोनों का सम हमने निकाल रखा है 90 डिग्री, ये और इसका सम ये रहा 90 डिग्री गिवन है प्लस एंगल बी जी ई इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी जी ई कितना आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री आ गया। फ्रेंड्स ये 90 डिग्री आ गया और ये पूरा 90 डिग्री आ गया, राइट फ्रेंड्स? अब हमें पता है जैसे ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री आ गए, सिमिलरली इधर के दो भी 90 डिग्री आ जाएंगे, सिमिलरली एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल एच इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए ये पता है एल पैरेलल है एम के, एल इज पैरेलल टू एम, राइट फ्रेंड्स? एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट फ्रेंड्स? तो एंगल ए बी ई, एक चीज तो हमने 90 डिग्री प्रूव कर दी, अब हमें पता है ए बी ई एंगल बी ई एफ के होगा, एंगल बी ई एफ, व्हाई? बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट फ्रेंड्स? अब इसके हाफ, हाफ ऑफ एंगल ए बी ई कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ के, राइट फ्रेंड्स? तो ए बी ई का हाफ कितना हुआ जी बी ई, एंगल जी बी ई किसके इक्वल आ गया एंगल एच ई बी के, एंगल एच ई बी के, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स जब ये एंगल इसके इक्वल आ गया तो जी ई क्या है, जी बी पैरेलल है किसके, ई एच एच ई के, एंड जी बी इक्वल भी है एच ई के, राइट फ्रेंड्स? अब सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली एंगल एच बी ई, एच बी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई बी, जी ई बी, राइट फ्रेंड्स? ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, राइट? तो क्या हुआ, जी ई पैरेलल है एच बी के एंड जी ई इक्वल है एच बी के, राइट फ्रेंड्स? तो इसका मतलब हमने ये इक्वल कर दी इसके और ये इक्वल कर दी इसके, राइट फ्रेंड्स? तो हम कह सकते हैं कि बी जी ई एच इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। फ्रेंड्स रेक्टेंगल के लिए या 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड इक्वल करनी चाहिए, वही मैंने किया है, तो ये इसलिए प्रूव्ड हो गया कि ये रेक्टेंगल है, आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।